अपनी खूबसूरत हरी हरी आंखों से मशहूर एक्ट्रेस करिश्मा कपूर आज दो बच्चों समायरा और कियान राज कपूर की माँ हैं, जिनके पिता संजय कपूर हैं, जिन्हें हम भली भांति जानते हैं, जो कि करिश्मा जैसी उसने परी को धोखा देकर किसी और के हो गए हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि करिश्मा अपने दो बच्चों से पहले एक मूवी करते वक्त भी प्रेग्नेंट हो गई थी, जिनके कोख में एक ऐसे शख्स का बच्चा पल रहा था जिनकी वजह से करिश्मा की खूब बदनामी हुई थी। तो कौन है वो शख्स और कौन सी मूवी करते वक्त करिश्मा प्रेग्नेंट हुई थी, आज की इस वीडियो में हम आपको ये पूरा मामला बताएंगे। पर उससे पहले वीडियो को लाइक करना ना भूलें। लाखों में खूबसूरत अभिनेत्री करिश्मा कपूर हैं, जिन्होंने सब कुछ छोड़ छोटे मोटे बिजनेसमैन संजय कपूर को अपना लाइफ पार्टनर चुना, जिनसे इन्हें दो बच्चे भी हुए, पर उनको इनका प्यार रास नहीं आया और वो इन्हें धोखा देकर किसी और के पास चले गए। इसलिए आज करिश्मा अपने दम पर अपने बच्चों की परवरिश कर रही हैं। लेकिन इससे भी बड़ा केस तो इन्होंने अपनी जिंदगी में तब लड़ा जब ये हाँ मैंने भी प्यार किया मूवी के सेट पर अभिनेता अभिषेक बच्चन के प्यार में पागल हो गई थी और इनकी बढ़ती नजदीकियों की वजह से ये प्रेग्नेंट भी हो गई थी। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म के बाद करिश्मा को लेकर ये खबर आई थी कि इनकी कोख में अभिषेक का बच्चा और बच्चन परिवार का वारिस पल रहा है, जिससे समाज वालों को छुपाने के लिए बच्चन और कपूर परिवार मिलकर इनकी शादी करवा रहे हैं। हालांकि इससे जुड़ी आज तक कोई रिपोर्ट क्लियर नहीं हुई और ना ही इसके पीछे का सच किसी को पता चला, लेकिन लोगों ने इसे सच मानते हुए इसका विरोध किया। करिश्मा पर तरह तरह के लांछन लगाए और अभिषेक बच्चन को भी खूब ट्रोल किया गया था। साथ ही दोनों को अपने गुस्से का शिकार भी बनाया था, जबकि इनकी सगाई भी होते होते टूट गई थी। हालांकि ये बात कितनी सच है और कितनी झूठ, इस बारे में भी कुछ क्लियरिटी नहीं है। वेल दोस्तों, क्या आपको भी अभिनेत्री करिश्मा कपूर के चरित्र पर शक है? कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही तमाम खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।